से हम गुड़गांव पहुंच गए और एक घंटे के यहाँ से हम हरिद्वार की डायरेक्ट बस ले गए। हेलो फ्रेंड्स, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, तो अभी हमारी ट्रिप शुरू होने वाली है और मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। तो कुछ इस तरह का मैंने आउट लेना है अभी, तो अभी हम निकले गए यहाँ से रेलवे स्टेशन। मेरा दोस्त यहाँ से मेरे को छोड़ने के लिए आ रहा है, तो वहाँ से हम सारे लोग वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मिलके बाद में आगे जाएंगे। तो हमारी आज हम करीबन 10 दिन की ट्रिप है, तो हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो अब हम सारे फ्रेंड्स लोग यहाँ से रेलवे स्टेशन पे एक साथ मिलेंगे। और तो गाइस, मेरा सामान कुछ इस तरह का है, तो इतना ही सामान है मेरे पास। एक ट्रॉली बैग है, एक कॉलेज बैग है और एक बैग है नाश्ते का, तो तीन बैग हुए हैं मेरे। गाइस, अभी हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और हमारे सब साथी मित्रों आगे खड़े हैं। तो देव को मैंने फ़ोन किया था तो उसने बोला कि हमको तो 20-15 आदमी तो छोड़ने के लिए आए हैं। तो ये रेलवे स्टेशन आ चुका है, यहाँ हमारा राष्ट्रध्वज दिख रहा है, तो अभी आगे खड़े हैं, देखते हैं कहाँ पे है। हाँ है, सब लोग देख लो, ये गेट भी आ गया है, शायद वो आगे चल के जा रहे हैं वही है। तो गाइस, कुछ इतना सामान हमारे पास है, देख लो, पूरे 8 बंदे जा रहे हैं और सामान देख लो, 2 साल का शायद सामान लगता है। ये सभी लोग है आने वाले, वो हमारे यशपाल जी है। और चलो, इसको दोनों तो पहचानते होंगे, ये इसका छोटा भाई है और बाकी सब हमको छोड़ने आ रहे हैं। ये भाई भी आ रहे हैं, देख लो ये पार्क। हमारी ट्रेन आ चुकी है, हमारी ट्रेन चल चुकी है और हम सभी लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। तो अभी हम दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुके हैं, तो अब हम हमारे ये हमारा कंपार्टमेंट है, अभी तो सब लोग बैठ रहे हैं इसलिए हम बाहर खड़े हैं। तो अभी 2 लोग की B2 में है और 1 बंदे की B1 में है, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम अभी डब्बे में बैठ गए ट्रेन में, तो ये सब लोग यहाँ पे है, 4 यहाँ पे और 3 आदमी गए हैं हम आगे। यहाँ पे हमारा पूरा कंपार्टमेंट इधर है, 8 लोग की जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा आज यहाँ पे इंजॉय होगा, देख लो। हट जा भैया पीछे से, वहाँ पे हमारा स्पीकर भी रखा है, फ्लैश भी चालू है, तो अभी हम यो DJ चालू करेंगे, सब सारी रात इंजॉय करके जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज के दूसरे दिन पे हम पहुँच चुके हैं, तो अभी हम मारवाड़ पहुँचने वाले हैं, तो हम फ्रेश हो गए हैं और अभी वैसे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 3 बंदे इधर है, बाकी के सब लोग फ्रेश होने गए हैं बाहर। बढ़िया, कुछ बाहर का नज़ारा इस तरह का है, तो देख लो आप। तो अभी हम यहाँ से मारवाड़ पहुँचने वाले हैं और शायद 2-2.5 बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। पेट्रोल के टैंक है, जा रहे हैं सभी के सभी। तो भाई सुबह सुबह का नाश्ता चल हो गया है यहाँ पे, ये दोनों और बाकी सब इधर है नाश्ता, सब मिलते नाश्ता करते बाद में। तो गाइस, आप देख सकते हो सामने पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं पूरा, और ये हमारी ट्रेन जा रही है पहाड़ों के बीच में, सारी जगह पर पहाड़ी पहाड़ है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया। Thank you.
गाइस अभी हम अजमेर पहुंच गए हैं, तो अभी अजमेर के रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं। तो कुछ इस तरह की रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। अब हम फाइनली अजमेर से निकल गए हैं, तो अभी हम हमारी आगे की जर्नी और आगे लेके जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अभी आगे। और अंदर हमारे फ्रेंड्स लोग सभी लोग ताज कर रहे हैं, तो मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं देखता हूँ और बैठा था मैं। तो अभी यहाँ पे अजमेर रुकी थी 5-10 मिनट, तो मैंने नीचे उतरा और देखा रेलवे स्टेशन। बाद में आप इस ट्रेन में बैठ चुके हैं और देख लो ये अजमेर है, सिटी के अंदर जाने वाला रास्ता है शायद। तो गाइस हम जयपुर पहुंच गए हैं, तो अभी जयपुर के स्टेशन पे गाड़ी रुकने वाली है, तो गाड़ी अभी जयपुर के स्टेशन के अंदर आ चुकी है। देख लो ये स्टेशन आ रहा है। फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है दोपहर का, और दोपहर का बजा है अभी 3:16 हुआ है। तो अभी हम दोसा गाँव में पहुँचे हुए हैं, तो अभी देख लो। और हम दिल्ली शायद शाम को 7-7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो अभी मिलते हैं, अभी थोड़ा आराम करेंगे और बाद में मिलते हैं आगे। गाइस हम गुड़गांव पहुंच गए और 1 घंटे के बाद हमारे दिल्ली की पहुंच जाएंगे। वहां से हम जाएंगे शायद थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, या वहां से डायरेक्ट निकल जाएंगे हरिद्वार, तो कुछ पता नहीं है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद डिसाइड करके क्या करना है क्या नहीं वो सोचेंगे और बाद में मिलेंगे आपको। तो देख लो हम पहुंच गए हैं और 1 घंटे के बाद हम दिल्ली में पहुंच जाएंगे फाइनली। गाइस हम फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं, तो अभी 2 स्टेशन के बाद हमारा स्टेशन आने वाला है। तो ये कुछ दिल्ली की झुपड़पट्टी कोई ऐसी है, यही रेलवे का ट्रैक है बिल्कुल बगल में है। तो देख लो यहाँ पे दिल्ली में भी पटेल नगर है और वो सामने मेट्रो का स्टेशन है। तो गाइस हम फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे बस स्टॉप या शायद शॉपिंग करने के लिए, मालूम नहीं है, आगे जाके डिसाइड करेंगे। और मेरे पीछे सब लोग खड़े हैं, सब लोग आ गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8, चलो हो गया, सबका सामान आ गया, आगे चल। तो अब हम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और पैदल जा रहे हैं। कौन सी वजह से जा रहे हैं हम? पहाड़गंज में खरीदी करने के लिए जा रहे हैं। और आपको थोड़ा आवाज़ का दिक्कत होगा क्योंकि हाईवे पे मैं जा रहा हूँ इसलिए, और हम दोनों आगे हैं, बाकी सब पीछे आ रहे हैं। तो हम चल के जा रहे हैं और पहाड़गंज में जाके मिलेंगे आपको आगे। गाइस अभी हम पहाड़गंज से निकल चुके हैं क्योंकि पहाड़गंज में तो कुछ मिला नहीं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, बहुत सारा सामान था। तो अभी हम जा रहे हैं करोल बाग, तो अभी फिर से हमने ई रिक्शा कर लिए 2, और ये देख लो यहाँ की मार्केट। तो अभी यहाँ पे सारी होटल बार वगैरह सब कुछ है, देख लो। और हमने 2 रिक्शा ई रिक्शा कर लिए, तो फिर से हम जाएंगे करोल बाग, करोल बाग में थोड़ी सी खरीदी करेंगे, वहां से बाद में।
ओके।